सरकारी कर्मचारी अवसर बयस वृद्धि हाइकोर्ट देले निर्देश। होली समय कर्मचारी एक खुशी खबर आसी। दीर्घ दिन धरी कर्मचारी माने अवसर बयस वृद्धि करने को दावी करते जहां वर्तमान हो सारी। आपण जानी बहुत खुशी हेबे जे वर्तमान अवसर बयस 60 रु 62 वर्ष को वृद्धि करा जाय छी। ए बाबत रे हाईकोर्ट मध्ये एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति दैछन्ते। कर्मचारी को अवसर बयस वर्तमान 2 वर्ष वृद्धि करा जाय छी। बुधवार मामलार शुणानी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट रो ए गुरुत्वपूर्ण आदेश दे कहिछन्ते जे डाक्टर को अवसर बयस 2 वर्ष वृद्धि करा जाय छी। वर्तमान अवसर बयस 60 वर्ष अछि जहां को 62 वर्ष को वृद्धि करबा को स्थिर होइ छी। यहापर लखनऊ बेंच कहिछन्ते जे सरकारी एलोपैथिक डाक्टर अवसर बयस 62 वर्ष अछि। यहाकु दृष्टि रखी बेंच कहिछन्ते जे होम्योपैथिक डाक्टर को अवसर बयस को मध्य 62 वर्ष को वृद्धि करा जबा आवश्यक अटे। यहा सहित से यहाकु समानतार सिद्धांत संपूर्ण उल्लंघन बोली मध्य कहिछन्ते। एही कारणर वर्तमान समान को अवसर बयस 60 रु 62 वर्ष को वृद्धि करा जाय छी। एही मामलार शुणानी बेले जस्टिस विवेक चौधरी को डिविजन बेंच होम्योपैथिक डाक्टर एसके यादव का आवेदन उपर मध्य ए निर्देश देछन्ती। सूचना अनुसार डिसेंबर 31, 2021 60 वर्ष बयसर अवसर पर एसके यादव कोर्टर द्वारस्थ होते। शुणी समय से आवेदन में कही मे 31, 2017 प्रांतीय सेवार एलोपैथिक डाक्तर अवसर बयस 60 रु 62 वर्ष को वृद्धि करा किंतु होम्योपैथिक डाक्तर अवसर बयस 60 वर्ष रहा दि जाता जहाँकि संपूर्ण भाव से प्रति भेदभाव सृष्टि कर। एही समय आवेदन में कहुई प्रादेशिक मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा अधीन कार्य कर डाक्तर को एलोपैथिक होम्योपैथिक डाक्तर अफ मेडिसिन होम्योपैथिक सेवा संबंधी विज्ञप्ति 31 मे 2017 तारीख में लाभ दि जाए ना। इलाहाबाद हाइकोर्ट यार राय देवा बेले एलोपैथिक और होम्योपैथिक डाक्तर पर विभिन्न अवसर बयस संपूर्ण भेदभावपूर्ण। यार विचार समय बेंच उत्तर दिल्ली म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन बनाम दिल्ली रो म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन मामला को मध्य दर्शाई जो कहुई भारत संघ ने दिल्ली में कार्य कर एलोपैथिक डाक्तर अवसर बयस 60 रु 65 वर्ष को वृद्धि करा जाय छी। ब्यूरो रिपोर्ट जागृति लाइव मीडिया।